बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने ट्वेल्थ पेपर हैकर में। मैं सूरज राज और आज के वीडियो देखने वाले हैं जो भी छात्र बीएससी सेकंड ईयर में हैं और यहाँ फिजिक्स का हम थर्ड पेपर लेके आए हैं, तो आपको सभी को पता होगा कि जो हम क्वेश्चन देते हैं वही पेपर में आता है। और आपसे दो दिन पहले जो हम आपसे वादा करते हैं कि 70% प्लस लाने का, वो हम वादा पूरा करते हैं, आपको पता होगा। तो आप यदि आप इस बात से संतुष्ट हैं तो इस वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर देना। और हाँ सुनो, और जो आप मुझसे वादा करिए कि आप जैसे ही क्लास में जाएंगे, जितने भी स्टूडेंट हैं, जब बीए के हों, बीएससी के हों, बीकॉम के हों, ठीक है, किसी के स्टूडेंट हैं, आप पेपर हैकर यूट्यूब चैनल के बारे में सभी को बताएंगे कि आप पेपर हैकर से तैयारी करो, 100% पास हो जाओगे। उनसे सीधे कहो 100% पास हो जाओगे, आपको फेल करने वाला कोई पैदा नहीं है यूनिवर्सिटी के अंदर, आपको फेल करने वाला कोई पैदा नहीं है। और ये आ रहा है 11/7/2022 में आने वाले क्वेश्चन की बात करने वाला हूँ, 11 जुलाई का जो पेपर बन रहा है उसकी बात करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना, कोई दिक्कत है तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। देखिए चलो अब स्टार्टिंग करते हैं फटाफट, और जो आपने वादा जो हमसे किया है सभी दोस्तों को बताने का, आप उस सभी को बताएंगे, ठीक है। चाहे कुछ भी हो जाए आप सभी छात्रों कहेंगे बस पेपर हैकर से ही पढ़ना है, आपको किसी और के बारे में नहीं देखना है। आप अपने टीचर जो है क्लास टीचर उनको भी बताइए, सर पेपर हैकर से मैं पढ़ के आओ और आज पूरा के पूरा क्वेश्चन पेपर फंसा है जो सर ने बताया था, सर हमें बस पेपर हैकर से ही पढ़ना है, बाकी किसी और पर भरोसा नहीं करना है, ऐसे बोलना है अपने टीचरों से, समझ रहे हैं ना, वो चीज़ आप ध्यान दिए। चलो अब चलते हैं, अब बात करने वाले हैं वो चीज़ों के जो पेपर में छप रहे हैं क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन आपको देखना है आइंस्टीन की समीकरण के बारे में, मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक क्वेश्चन यहाँ बनता है कि विकास वैद्युत उत्सर्जन के नियम को पढ़ लीजिए, जिसे हम प्रभाव का नियम भी बोलते हैं, इफेक्ट ऑफ लॉ भी बोल सकते हैं। पर देखो यहाँ बोलता है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम को हम प्रभाव का नियम भी बोल सकते हैं। और एक आता है इसी में क्वेश्चन पूछा जाता है जोड़ के कि आइंस्टीन का समीकरण का वर्णन करो, तो आइंस्टीन की समीकरण को आप देखना है। क्वांटम इफेक्ट नोट करो अपने बुक नोट्स में, यदि आप हमारे नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं शॉर्ट वाले नोट्स को, तो पीडीएफ का डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वेबसाइट का paperhacker.in वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं पेपर हैकर, या फिर आप फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप जाइए हमारे प्ले स्टोर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा, प्ले स्टोर पर सर्च करिए पेपर हैकर बीएससी सेकंड ईयर फिजिक्स थर्ड पेपर नोट्स, ऐसे डालेंगे तो आपके सामने नोट्स खुल जाएंगे और डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, जी हाँ। उसके बाद में एक आप क्वेश्चन तैयार करेंगे, ये क्वेश्चन पर टिक लगाएंगे, ब्रेंगरी कैसे है डी ब्रेंगरी परिकल्पना या कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, डी ब्रेंगरी तरंग कहते हैं उसको, कॉन्सेप्ट के बारे में आपको याद कर लेना। चलो नीचे जाइए और इस क्वेश्चन को आप याद करके जाएंगे, हाइजेनबर्ग का निश्चितता का सिद्धांत आप पढ़ेंगे, ठीक है, श्रेणीगण समीकरण पृथक्करण को पढ़ेंगे। चलो नोट कर लिया आपने, अपने बुक नोट्स गैस पेपर में टिक भी लगा लिया होगा। आप चाह रहे ये क्वेश्चन शॉर्ट में बने, ये क्वेश्चन लॉन्ग में बनेगा, और ये देखिए हाइजेनबर्ग का सिद्धांत शॉर्ट में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, शॉर्ट में डी ब्रोंगली समीकरण लॉन्ग में बनेगी, क्वांटम इफेक्ट पूछेगा तो ये शॉर्ट में बनेगा, लॉन्ग भी बन सकता है दोनों में। यदि ये पूरा क्वेश्चन पूछा गया आइंस्टीन के समीकरण और नियम उत्सर्जन नियम, तो ये लॉन्ग में बनेगा, अलग अलग पूछा गया तो ये शॉर्ट में बनेगा, आपको घबराना नहीं है कि ये लॉन्ग होगा शॉर्ट होगा, क्योंकि हम अब अलग हैं, अब कुछ हम नए क्लास में हैं, अब अव्वल दूसरे तीसरे चौथे क्लास में नहीं है कि सर लॉन्ग क्या अलग होगा शॉर्ट अलग पढ़ेंगे, हम लॉन्ग से ही शॉर्ट बनाते हैं और शॉर्ट से ही बहुविकल्पीय क्वेश्चन बनाते हैं, ये सभी जानते हैं। और आप हम बेहतर पढ़ेंगे आपके बुक नोट गैस पेपर में, यदि ये क्वेश्चन लॉन्ग में है तो लॉन्ग में पढ़ लो, यदि यही क्वेश्चन शॉर्ट में है तो शॉर्ट में पढ़ लो, क्या जरूरत है, समझ रहे हैं। तो ये चीज़ है, और आपको सभी को लाइक करना वीडियो को, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन में टिक लगाएंगे, ये क्वेश्चन है आइगेन फलन और आइगेन मान क्या होता है, दोनों में अंतर पूछ लेता है, दोनों को पढ़ लेना है। चलो शून्य बिंदु ऊर्जा इसके बारे में, जीरो पॉइंट एनर्जी क्या होती है, इसमें कॉन्सेप्ट ये शॉर्ट में देखने को मिलता है, शॉर्ट में याद कर लेना है। चलो कला वेग और समूह वेग में अंतर, ये शॉर्ट में देखने को मिलेगा, क्वेश्चन तैयार कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको वोहर के अभिग्रहित सिद्धांत, कमियाँ कौन कौन सी हैं, पाँच श्रेणी थी, ठीक है, श्रेणियों का व्याख्या करनी है, बामर श्रेणी, लावण श्रेणी, उन श्रेणियों के बारे में, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये शॉर्ट में देखने को मिलेगा, और ये पूरा एक साथ उसने पूछा तो ये क्वेश्चन लॉन्ग में देखने को मिलेगा, अलग अलग पूछेगा तो शॉर्ट में। और देखो ये मौसले या फिर मौसले का जो ला है वो आपको शॉर्ट में देखने को मिलेगा, उसको उपयोग महत्व को पढ़ लेना है। नीचे जाइए क्वांटम सिद्धांत बहुत इंपोर्टेंट है, ये आपको शॉर्ट में देखने को मिलेगा। नीचे पहुँच जाइए छोड़ो सब कुछ, सतत करण क्या होते हैं ये पढ़ के जाना है, शॉर्ट में देखने को मिलेगा या फिर ये लॉन्ग में बन सकता है, दोनों में, ठीक है, दोनों में
या फिर आप शॉर्ट में, यदि शॉर्ट में दे रखा है आपको तो शॉर्ट पढ़ लीजिए, लॉन्ग में दे रखा है तो लॉन्ग। प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है इसको पढ़िए, शॉर्ट में देखने को दहली आवृत्ति शॉर्ट में, कार्यफलन शॉर्ट में, ये शॉर्ट में देखने को मिलेंगे, क्योंकि टोटल क्वेश्चन 19 बनेंगे जिसमें से आपको 13 क्वेश्चन करने होंगे। और मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो पेपर में छप रहा है, जो वही क्वेश्चन छपा बता रहा हूँ जो पेपर में छप रहा है, छप 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 रहा है, समझ रहे ना मेरी बात को। तो वो चीज़ आपको याद करनी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और जो मैंने टिक लगाए हैं बस वही पढ़ना है, बाकी कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। एक एक्सपेरिमेंट हो सकता है ये वाला आ जाए आपका, तो ये पढ़ लेना, एक बार पढ़ के चले जाओगे तो बाकी आप बना बना के कर ही दोगे। कोई भी क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है, कुछ भी हो जाए बना बना के करके आना है। और जो आपने मुझसे स्टार्टिंग में वादा किया था वीडियो देखते समय कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों तक बताएंगे और फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर करेंगे, स्टेटस लगाएंगे, तो आप अभी लगाइए और शेयर करिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय।